바로 된다고 해요. 이게 마일레로. बैठक थी कल 13 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर सीबीएसई का 12th क्लास का वो लीक हुआ और जैसे ही पता लगा हमने जो भी संबंधित अधिकारी हैं चेयरमैन सीबीएसई विजिलेंस डीसी रेवाड़ी सिटी मजिस्ट्रेट रेवाड़ी एसडीएम रेवाड़ी उनको एसपी रेवाड़ी उनको समय पर सूचित कर दिया था और व्हाट्सएप के माध्यम से ईमेल के आईडी के माध्यम से उनके पास वो पेपर हमने 10 बजे के 12:30 बजे के आसपास भिजवा दिया था और ये सबूत आए हैं कि व्हाट्सएप 7 बजे व्हाट्सएप होने लगे थे पेपर्स तो हमें अंदेशा ये है कि शायद एक दिन पहले ही वो पेपर लिया बैंक से निकाल लिए गए थे। ये बड़ा दुखद विषय है, बच्चों के भविष्य के साथ धोखा है, पूरी जनता के साथ धोखा है। हम चाहते हैं जितने भी संबंधित अधिकारी एवं सरकार भी इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां ना हमें माफ़ करेंगी ना ये अधिकारी जो भी इंक्वायरी करेंगे उनको माफ़ करेंगे। धन्यवाद। क्या रहेगा आगे, ज्ञापन व्यापन देंगे, क्या करेंगे इसमें? हम अभी इस पे चर्चा कर रहे हैं और हम अपने रिसोर्सेज से भी ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कौन व्यक्ति दोषी है, कौन व्यक्ति दोषी है। हालांकि ये ड्यूटी बनती है सरकार की, अधिकारियों की या सीबीएसई की, वो इस बात का पता लगाए और कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को दे। चाहे उसमें अगर मैं भी शामिल हूँ, मेरा स्कूल भी शामिल है, तो मुझे मतलब सबसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये होता नहीं करती है सरकार या संबंधित अधिकारी, हमें से जन आंदोलन का रूप देंगे और जनता के पास जाएंगे, घर घर जाएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, देश का सवाल है। ठीक है।